तो बच्चों आज हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट आइटम देखेंगे जो क्वेश्चन में बार बार रिपीट होता है, जिसमें सबसे पहला है सब्सक्रिप्शन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन सोर्सेस, इनकम का मेन साधन सब्सक्रिप्शन ही है। जैसे किसी क्लब का मेंबर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनने पर हर साल या हर महीना मेंबर को कुछ चंदा यानी सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है, और ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम का सबसे बड़ा सोर्सेस होता है। और ये चूंकि बार बार नेचर का है इसलिए रेवेन्यू नेचर का माना जाएगा, और सब्सक्रिप्शन को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड दिखाया जाता है, और जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो ये चूंकि रेवेन्यू नेचर का है इसलिए इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम साइड दिखाएंगे। लाइफ मेंबरशिप फी दूसरा है, लाइफ मेंबरशिप फी किसी भी एनपीओ का जो मेंबर है पूरा लाइफ के लिए जब एक बार फी देता है उसको कहते हैं लाइफ मेंबरशिप फी। तो ये पूरे लाइफ में एक बार दिया जाता है, बार बार नेचर का नहीं है इसलिए इसको कैपिटल नेचर का माना जाता है, और ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड दिया रहता है या दिखाया जाता है, और बैलेंस शीट में फिर इसको दिखाया जाता है लायबिलिटी साइड, क्योंकि ये कैपिटल नेचर का है ना, क्योंकि पूरे लाइफ में एक बार दिया जाता है। तीसरा है इंडोमेंट फंड मतलब किसी भी स्पेशल काम के लिए अगर कोई फंड देता है, इसे बिल्डिंग के लिए, पेवेलियन के लिए, तो इसको कहते हैं इंडोमेंट फंड। और किसी भी स्पेशल काम के लिए जब पैसा मिलता है, फंड मिलता है, तो उसको कैपिटल नेचर का माना जाता है और उसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाया जाता है, और ये चूंकि रिसिप्ट है इसलिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड दिखाया जाता है। इंट्रेंस फी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो मेंबर बनते रहता है हर साल, नया मेंबर बनते रहता है, तो मेंबर बनने पर उसको एंट्री फी देना होता है, और इसलिए बार बार नेचर का है क्योंकि हर साल ये रिसीव्ड होता है, तो इसलिए इसको रेवेन्यू नेचर का माना जाता है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको इनकम साइड दिखाया जाता है, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ये चूंकि रिसिप्ट ऐसा मिलता है इसलिए इसको रिसिप्ट साइड में और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम में दिखाया जाता है, क्योंकि बार बार नेचर का है, रेवेन्यू नेचर का है। डोनेशन दो टाइप का होता है, एक जनरल डोनेशन और एक स्पेशल डोनेशन। जनरल डोनेशन हो या स्पेसिफिक डोनेशन हो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड होगा, और चूंकि जो जनरल डोनेशन है उसको रेवेन्यू नेचर का माना जाता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम साइड में दिखाएंगे, और जो स्पेसिफिक डोनेशन है किसी स्पेशल काम के लिए है तो उसको कैपिटल नेचर का माना जाता है और उसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो करते हैं, लायबिलिटी साइड दिखाते हैं। लेगेसी अगर कोई अपना संपत्ति डेथ कर जाने के बाद किसी एनपीओ को दे देता है तो ये भी क्योंकि बार बार नेचर का नहीं है इसलिए इसको कैपिटल नेचर का माना जाता है, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाया जाता है, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट
में तो रिसीप्ट साइड रहेगा। नेक्स्ट है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जब फिक्स एसेट्स बेचेंगे तो बैलेंस शीट में से एसेट्स में माइनस करेंगे और सेल करेंगे तो पैसा आएगा, इसलिए रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का रिसीप्ट साइड में शो करेंगे, दिखाएंगे। और जो एसेट्स बेचेंगे, बेचने अगर उसका बुक वैल्यू से अगर ज़्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, और उस प्रॉफिट को, प्रॉफिट ऑफ सेल ऑफ एसेट्स को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम साइड में दिखाएंगे। और अगर बुक वैल्यू से कम में बेचेंगे तो लॉस होगा, और अगर लॉस होगा तो लॉस ऑफ सेल ऑफ एसेट्स को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सपेंडिचर साइड में शो करेंगे। उसके बाद है पेमेंट ऑफ ऑनरियम। अगर एनपीओ किसी बाहर से किसी को अगर बुलाता है किसी चीज के लिए, जैसे डॉक्टर को या किसी लेक्चरर को अगर बुलाया दो दिन के लिए, एक दिन के लिए लेक्चर देने के लिए, और उसको उसके बदले जो पैसा पेमेंट किया गया उसको ऑनरियम बोला जाता है। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में इसको पेमेंट साइड शो करते हैं, पेमेंट साइड दिखाते हैं, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चूंकि ये रेवेन्यू नेचर का है इसलिए इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सपेंडिचर साइड में शो करते हैं, एक्सपेंडिचर साइड में दिखाते हैं। इस तरह से ये कुछ इम्पोर्टेंट आइटम था जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बार बार यूज होगा, है ना। तो आज इतना ही, और आगे का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे। देखो तो लास्ट रुको उसको कर।